हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को और इसके डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये अप्लाई कहाँ होता है। तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट अप्लाई होता है लेजर फिजिक्स में, मतलब लेजर का जो फिनोमेना होता है, लेजर लाइट जो चलती है उसमें ये फिनोमेना आइंस्टाइन कोफिशिएंट अप्लाई होता है। अब ये होता क्या है, तो ये मैथमेटिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि हमें बताती हैं मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ लाइट बाय एन एटम और मॉलिक्यूल। देखिए, लेजर में भी क्या होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं। अब लाइट जो एमिट करता है लेजर, वो किसके वजह से करता है, एटम या मॉलिक्यूल के वजह से। अब एटम या मॉलिक्यूल कैसे लाइट एमिट करते हैं, या तो वो एमिट करते हैं या तो एब्जॉर्ब करते हैं। भाई, एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करेंगे फिर कहीं से एमिट करेंगे, तभी तो लाइट यहां पर निकलेगी। तो इस तरीके से ये होता है, मैथमेटिकल क्वांटिटीज होती है, आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि हमें मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है कि एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, एमिशन कैसा हो रहा है, इसके बारे में बताता है। किसके द्वारा, एटम के द्वारा या मॉलिक्यूल के द्वारा। तो ये हमारे आइंस्टाइन कोफिशिएंट हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा यहां पे कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन कैसे होता है। तो अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हमने रूम टेम्परेचर पे लिया है, तो रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कुछ एटम जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, कुछ एटम जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। देखिए, ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होता है कि एटम की एनर्जी कम है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है, जैसे ये E1 एनर्जी है तो मतलब ये ग्राउंड स्टेट है, E2 मतलब एक्साइटेड स्टेट, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा। तो कम एनर्जी में ज्यादा एटम होते हैं, मतलब नीचे ज्यादा एटम होते हैं, और हाइयर एनर्जी लेवल में कम एटम होते हैं, जनरली हम जानते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी, मतलब हमारे पास बहुत सारे एटम हमने लिए हुए हैं, तो अगर मान लीजिए कहीं से रेडिएशन आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको आप फोटोन कहते हैं, लाइट का पार्टिकल जो होता है, वो आया और एटम ने उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो एटम जब उसको एब्जॉर्ब करेगा तो कहां चला जाएगा, ये ग्राउंड से कहां पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, हायर एनर्जी में। तो इस तरीके से इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, मतलब कि लाइट को एटम एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया हायर स्टेट पे, तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है। अब इसको समझिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब जब एटम हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वो स्टेबल नहीं रहता ज्यादा देर तक, वो 10^-8 सेकेंड तक ही ऊपर रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसी लाइट को वो बाहर निकाल देता है, एमिट कर देता है, ऐसे एमिट कर देता है उसी लाइट को, जिस लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया था, और फिर से नीचे आ जाता है। इस तरीके की इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एमिशन, क्योंकि यहां लाइट को ये एमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। हायर एनर्जी में था तो 10^-8 सेकंड तक ही रहेगा, उसके बाद ये फिर लोअर में आ जाएगा, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी को एमिट कर देगा। अब ये फिनोमेना अपने आप होता है, तो इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। अपने आप क्यों होता है, क्योंकि इसका टाइम पूरा हो गया तो ये अपने आप वापस आ जाएगा, इसमें हम थोड़ी ना वापस ला रहे हैं, तो ये इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा जाता है। इसको स्टिमुलेटेड क्यों कहा गया, क्योंकि ये अपने आप नहीं हो रहा है, यहां पे हम दे रहे हैं ना लाइट, तभी तो ये एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है। तो इस बात का याद रखिए, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप हो जाए तब स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और यहां पे अपने आप नहीं हो रहा है। तो ये दोनों आप समझ चुके हैं। थर्ड समझते हैं, थर्ड देखिए, जैसे मान लीजिए एटम हमारे हायर स्टेट पे, हायर एनर्जी स्टेट पे, तो अगर हम उस पर एक फोटोन स्ट्राइक कर दें, जब एक फोटोन हम किसी हायर एनर्जी वाले एटम पे करेंगे, जब उसको एक्साइट करेंगे, तो क्या होगा, हायर एनर्जी पर जब ये टकराएगा ये फोटोन, तो ये क्या करेगा, ये तो हायर एनर्जी वाला इसको एब्जॉर्ब करेगा और दो फोटोन को एमिट कर देगा, फिर क्या करेगा, दो फोटोन को एमिट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। अब ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर हम लोग ज्यादा इसको नहीं समझेंगे, हम लोग आइंस्टाइन कोफिशिएंट को समझेंगे, तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट को। तो देखिए हमने क्या किया है, इसके डेरिवेशन के लिए हमने असेंबली ऑफ एटम्स लिया है, काफी सारे एटम्स लिए हुए हैं, विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम में विद द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। एक रेडिएशन भी हमने लिया, काफी सारे एटम्स हमने लिए हैं, और एक रेडिएशन लिया है हमने, मतलब लाइट का पार्टिकल लिया है जिसकी एनर्जी एच न्यू है मान लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं न्यू है मान लिया, एंड स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यूवी ये न्यू है, सॉरी ये न्यू पढ़ते हैं इसको, ये यू है। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, देखिए लाइट है तो लाइट की कुछ एनर्जी होगी, फोटोन है तो फोटोन की एनर्जी आपको पता है ना कुछ होती है, इज इक्वल टू एच न्यू ही तो एनर्जी होती है। लेकिन अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाले तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम निकाल लें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किसकी एनर्जी, लाइट की एनर्जी, तो ये याद रखिएगा। इसको हम लोग यूवी से रिप्रेजेंट करते हैं एट टेम्परेचर टी। तो इतना आपको समझ में आया है। अब यहां पे देखिए, हमने N1 एटम्स मान लिए हैं E1 एनर्जी पे, N2 एटम मान लिए हमने E2 एनर्जी पे, ये हमने माना। अब N1 जो एटम हमने माना है वो पर यूनिट वॉल्यूम माना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो N1 एटम यहां पे, N2 एटम यहां पे है पर यूनिट वॉल्यूम में, जिसकी एनर्जी है E1 और E2, इस तरीके से हमने माना ये चीजें। अब एन एटम इन द लोअर एनर्जी E1 कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड गेट एक्साइटेड टू E2।
लोअर एनर्जी में है तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि रेडिएशन भी हमने लिया हुआ है, तो एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, यानी कि ई टू पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये चीज हमें पता चल गया। तो क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब वन से टू में, वन से टू में ये ट्रांजिशन हो रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी ट्रांजिशन की? मान लीजिए हमारे पास एन वन एटम्स हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ट्रांजिशन की? तो हम उस प्रोबेबिलिटी को पी वन टू मानेंगे, और ये जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन वन के और यूवी के। यूवी मतलब एनर्जी ऑफ, एनर्जी डेंसिटी आप कह सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब भाई वही चीज है कि फोटोन की कितनी एनर्जी है या फिर रेडिएशन की कितनी एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो भाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में अगर फोटोन की ज्यादा होगी तो क्या होगा, उससे फर्क पड़ेगा ना प्रोबेबिलिटी पे। भाई ज्यादा एनर्जी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो जल्दी जाएगा, तो ये चीज आप समझिए। तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी है वन से टू में जाने का, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? एन वन एटम पे, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम, ज्यादा एटम होंगे तो प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी, और यूवी पे डिपेंड करेगा, ये दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा। इक्वल टू आएगा तो मतलब एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। कौन सा कॉन्स्टेंट आ जाएगा? बी वन टू। क्या आ जाएगा? बी वन टू, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये बी वन टू जो है हमारा एक कॉन्स्टेंट है। क्या है ये बी वन टू? क्या है? कॉन्स्टेंट है। इसको हम लोग आइंस्टाइन कोफिशियंट कहते हैं। बी वन टू को क्या कहेंगे? आइंस्टाइन कोफिशियंट। तो याद रखिएगा बी वन टू है एक आइंस्टाइन कोफिशियंट। तो ये आपका पहला आइंस्टाइन कोफिशियंट यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अभी हमें बहुत कुछ सॉल्व करना है इसके बारे में अभी हमें बहुत जानकारी नहीं है। तो इतना हमें पता चला है। कब ये कौन सा फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। भाई लाइट को हम दे रहे हैं ना, तभी तो वन से टू में जा रहा है। तो ये हमारा बी वन टू जो है आइंस्टाइन कोफिशियंट आया, ये प्रोबेबिलिटी है वन से टू में जाने की, नंबर ऑफ एटम्स की। तो अब आगे इसका डेरिवेशन करते हैं। तो आगे चलिए यहाँ पे देखिए आप, अब देखते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, अब हो रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन। मान लीजिए आपका एटम हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच चुका है, तो 10^-8 सेकंड उसकी लाइफ रहेगी ऊपर, फिर वापस आ जाएगा। मतलब ट्रांजिशन हो रहा है कहां से? टू से वन में। कौन सा हो रहा है? स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो पी टू वन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? भाई वो डिपेंड करेगा एन टू पे। एन टू पे डिपेंड करेगा, सिंपल है। और यहाँ पे एनर्जी पे नहीं डिपेंड करेगा। क्यों नहीं डिपेंड करेगा? क्योंकि ये तो लाइफ पूरा करके अपना आ रहा है ना, तो फोटोन की एनर्जी पे नहीं डिपेंड करेगा। तो इसकी लाइफ पूरी हो गई, ये वापस आ गया। तो पी टू वन किसके डिपेंड करेगा? एन टू पे। पी टू वन जो होगा वहां पे हम एन टू लिखा हुआ, तो कॉन्स्टेंट कुछ ना कुछ लेंगे। कॉन्स्टेंट हम लेंगे ए टू वन और यहाँ पे एन टू। ए टू वन भी क्या है आपका? आइंस्टाइन कोफिशियंट है। क्या है ये आपका? आइंस्टाइन कोफिशियंट। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और ये कौन सा फिनोमिना हो रहा है आपका? स्पॉन्टेनियस एमिशन। कौन सा फिनोमिना हो रहा है? स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसमें आप एनर्जी डेंसिटी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप हो रहा है। तो ये आपको क्लियर है इतना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऐसे। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसको समझते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। मान लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है और स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो रहा है, मतलब कि हमारे पास हायर एनर्जी पे एटम्स हैं और हम उस पर फोटोन को स्ट्राइक कराते हैं। तो जब हम उस पर फोटोन को स्ट्राइक करेंगे तो दो फोटोन हमें मिलेंगे। कितने फोटोन मिलेंगे? दो। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि टू से वन में आ रहा है। जब एक्साइट इस पर टकराएगा तो क्या होगा? दो फोटोन एमिट होगा और ये पार्टिकल जो होगा, हमारा एटम जो होगा, वापस आ जाएगा। तो अभी भी हमारे पास क्या हो रहा है? टू से वन में ट्रांजिशन हो रहा है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो किस पे डिपेंड होगी? एन टू पे डिपेंड होगी, और यूवी पे भी डिपेंड होगी, एनर्जी डेंसिटी पे भी डिपेंड होगी, क्योंकि यहां पे स्ट्राइक करा रहे हैं हम किस पे? एटम पे। तो इस पे डिपेंड करेगा, यूवी पे डिपेंड करेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे पी टू वन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा एन टू यूवी और यहां पे हो जाएगा बी टू वन। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा ये कैसे आया। तो ये हमने निकाल दिया। और ये कौन सा फिनोमेना हो रहा है? ये हो रहा है आपका स्टिमुलेटेड, क्या हो रहा है? एमिशन। क्या हो रहा है? एमिशन। एमिट ही तो हो रहा है, दो फोटोन एमिट ही तो हो रहे हैं। तो ये तीनों को मैंने आपको बता दिया है। तो ये इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आइंस्टाइन कोफिशियंट में। अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा? एट थर्मल इक्विलिब्रियम, मान लेते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है हमारा सिस्टम। तो जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम में लेते हैं तो क्या होगा? तो हमारा ये होगा कि देखिए, एक तरफ से एब्जॉर्ब कर रहा है और दो तरफ से एमिट कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन। तो ये हमारा कौन सा हो रहा है यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या कि पी वन टू, देखिए वन से टू में जब एटम जाएगा तभी तो टू से वन में आएगा। वन से टू में गया, ठीक है, तो टू से वन में आ रहा है दो तरीके से, थर्मल इक्विलिब्रियम में ले रहे। तो वन से टू में जितना एटम जाएगा उतना ही तो टू से वन में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, पी वन टू जो होगा वो पी टू वन प्लस पी टू वन। यहाँ पे एक डैश लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यहाँ पे भी डैश लगा देते हैं, क्योंकि पी टू वन सेम हो जाएगा ना दोनों, तो पी डैश टू वन हो गया।
अब इसको हम यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या है पी वन टू की वैल्यू हमारी क्या है। पी वन टू की वैल्यू है बी वन टू एन वन यू वी ये, और पी टू वन की वैल्यू क्या है, तो पी टू वन की वैल्यू जो है वो है ए टू वन एन टू, तो यहाँ पे ए टू वन एन टू हम रख देंगे। फिर पी डैश टू वन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है बी टू वन एन टू एंड यू वी, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बी वन टू एन वन यू वी, इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस, इसको हम इधर भेजेंगे तो बी टू वन एन टू यू वी ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए टू वन एन टू ये हो गया। अब यहाँ पे यू वी आप क्या ले लीजिए, दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यू वी हमने कॉमन ले लिया, मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। यू वी कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा बी वन टू एन वन माइनस बी टू वन एन टू, क्लियर ए टू वन एन टू ये हमारे यहाँ पे बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, यू वी को हम यहाँ पे ऐसा रोक लेंगे इस तरफ, और ए टू वन एन टू डिवाइडेड बाई हम लोग यहाँ पे रख देंगे बी वन टू एन वन माइनस बी टू वन एन टू ये हमने रख दिया। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे पहला स्टेप में हम लोग ये करेंगे एन टू से डिवाइड कर देते हैं इसको, एन टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ए टू वन, और एन टू से ऊपर नीचे जो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा वन, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी वन टू और एन वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एन वन डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा एन टू, हम ऊपर नीचे किससे डिवाइड करें एन टू से, और यहाँ पे बी टू वन, क्लियर है। देखिए ऊपर एन टू से डिवाइड करना है, नीचे भी एन टू से डिवाइड करना है, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से सॉल्व होके आया है। अभी हम लोग क्या करेंगे इसको यहां पे ले जाएंगे, तो यू वी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ए टू वन लिख सकते हैं बिल्कुल, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं ए टू वन डिवाइडेड बाई बी टू वन, क्या लिखेंगे बी टू वन, और इसको चलिए डिवाइड कर देते हैं हम लोग, इसको हम लोग कर देते हैं डिवाइड, ये बी टू वन को हमने एक काम करते हैं, इसको मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए इस तरीके से आपने लिखा, आप इसको कर दीजिए बी टू वन से डिवाइड, तो बी टू वन से आप डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से सिमिट्री आपको मिल रहा है, तो हम सिमिट्री बनाने के लिए यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे बी वन टू और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बी टू वन, इस तरीके से आप लिख देंगे ब्रैकेट में, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, और इधर भी हमारा एन वन बाई एन टू है और माइनस वन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने किससे डिवाइड कर दिया बी टू वन से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई बी टू वन ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बहुत ही सिंपल है, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पे। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यू वी इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से आ गया है, चलिए इसी तरीके से इसको लिखा रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करेंगे बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन क्या होता है एन टू और एन वन पार्टिकल में, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बोल्ट्जमैन ने हमें बताया था कि एन टू डिवाइडेड बाई एन वन जो होता है वो बराबर होता है ई टू द पावर माइनस ई टू बाई के टी एंड डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस ई वन बाई के टी, ये हमें बोल्ट्जमैन ने बताया था कि मान लीजिए आपके पास एन टू एटम्स हैं किसी एनर्जी स्टेट में, एन वन एटम है किसी एनर्जी स्टेट में, तो हम क्या कर लिख सकते हैं ई टू द पावर में उसकी एनर्जी डिवाइड बाई के टी, ई टू द पावर में उसकी एनर्जी डिवाइड बाई के टी, इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं एटम का, ये बोल्ट्जमैन ने बताया था। कब बताया था, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, और हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे ही है, तो ये हमने लिखा इसको। अब हमें चाहिए एन वन बाई एन टू, ना कि एन टू बाई एन वन, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एन वन बाई एन टू चाहिए, तो इसको हम लोग पलट देते हैं, तो हमारा हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ई वन बाई के टी ये हो जाएगा, एंड ई टू द पावर माइनस ई टू बाई के टी, सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एन वन बाई एन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर, देखिए ई टू प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ई टू माइनस ई वन हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में एंड बाई के टी, ये हमने लिख दिया। और ई टू माइनस ईवन किसके इक्वल होता है, एच न्यू के, भाई एनर्जी जो होता है एच न्यू के इक्वल तो होता है, तो ई टू माइनस ईवन हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एच न्यू बाई के टी, तो ये हम यूज करेंगे यहां पे इन इक्वेशन वन, वन में हम यूज करेंगे इसको, वन में हम लोग यूज करेंगे एन वन बाई एन टू के जगह पे, तो यू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टू वन डिवाइडेड बाई बी टू वन एंड वन बाई यहां पे हमारा क्या हो जाएगा E बाई एच न्यू बाई के टी, एंड यहां पे हो जाएगा B12 डिवाइडेड बाई B21 एंड माइनस वन, सिंपल सा बात है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसको चलिए कह देते हैं हम लोग, इसको हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, यहां पे हमने केवल क्या किया है N1 बाई N2 की वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया है, कितना आया है E बाई एच न्यू बाई के टी, ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी, यहां पे देख सकते हैं ये यहां पे हमने पुट किया,
तो ये हमने सॉल्व किया। अब हम लोग जानते हैं प्लैंक रेडिएशन लॉ का फॉर्मूला, क्योंकि यहां पे भी क्या हो रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, एमिट हो रहा है, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, प्लैंक रेडिएशन लॉ का फॉर्मूला और इससे कंपेयर करेंगे। तो व्हाट इज प्लैंक रेडिएशन लॉ का फॉर्मूला, क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में हमारे चैनल पे ऑलरेडी, व्हाट इज प्लैंक रेडिएशन लॉ बताइए। तो यू वी इज इक्वल टू होता है हमारा 8πh³ डिवाइडेड बाई c³ और होता है 1e⁻ᵏ / kT-1 माइनस वन नीचे रहेगा, kT-1। तो ये होता है प्लैंक रेडिएशन लॉ का फॉर्मूला जो कि हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा है ऑलरेडी। तो ये हमने निकाला, तो अब इससे आप कंपेयर करिए, वैल्यू निकालिए B1 to B21 की और इसकी वैल्यू निकालिए। कांस्टेंट की हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये कांस्टेंट का मतलब क्या है एक्चुअल में, ये हम जानना चाहते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं इसकी वैल्यूज और समझते हैं इसको। तो यहां पे देखिए क्या होगा, तो हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 to 1, और इसको चलिए कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलिए कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 to 1 / B to 1 ये हमें मिला, इज इक्वल टू 8πh³ / c³, ये हमें रिलेशन मिला है इन दोनों कोफिशियंट में। और इसमें इसमें देखेंगे तो आपको 1 मिल रहा है केवल, क्योंकि ये जो है इसका यहाँ पे 1 ही है वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं B12 / B21 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 1। तो ये है दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इसका मैंने नोट्स यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है, तो आप यहाँ पे समझिए इसको। फ्रॉम इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। आप समझते हैं इसको अच्छे से। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 B12 इज इक्वल टू, सॉरी इसको हम कह देते हैं 3 और इसको कह देते हैं 4, क्योंकि इस हिसाब से हमने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 से मैं फिर से लिख देता हूं भाई, चलिए ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 B12 इज इक्वल टू B21 हो जाएगा, इसको आप करेंगे तो दैट मीन्स ये है कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू स्टिमुलेटेड इमिशन, ये है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन यहां पे देख सकते हैं और इमिशन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो सेम होगी इस कंडीशन के हिसाब से। इट मीन्स दैट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन इन एटम आर इक्वल। अब हम लोग 4 को समझते हैं, ये हमारा जो इक्वेशन है 4, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है A21 / B21 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये A21 / B21 जो है वो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लाइट के क्यूब का, लाइट के फ्रीक्वेंसी का। तो इट मीन्स दैट लार्जर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स E2 - E1 द मच मोर लाइकली स्पॉन्टेनियस एमिशन कम्पेयर टू स्टिमुलेटेड एमिशन। देखिए दो तरह के एमिशन हो रहे हैं हमारे, कितने तरह के एमिशन हो रहे हैं, दो, एक तो अपने आप एमिशन हो रहा है स्पॉन्टेनियस कहेंगे, और एक हम फोटोन स्ट्राइक करा रहे हैं तो वो एमिशन हो रहा है। तो ये दोनों एमिशन जो है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं अगर अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा हुई, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या फिर आप कह सकते हैं लाइट की फ्रीक्वेंसी कब ज्यादा होगी, जब उनके बीच की एनर्जी ज्यादा होगी, जब उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तभी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। देखिए उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तभी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं स्टिमुलेट, तब इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, अदरवाइज डिफरेंस नहीं होगा। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 1 है, अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो A21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली B21 हो जाएगा भाई, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज है, यहां पे समझिए फ्रीक्वेंसी अगर लार्ज है, एनर्जी डिफरेंस लार्ज है दोनों स्टेट के बीच में, E21 और E1 के बीच में, ये यही इसका मतलब है। तो क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन को हम कंपेयर कर सकते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन से। तो आई होप ये वीडियो और इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट का मतलब क्या है। इसको सबसे पहले आइंस्टाइन ने दिया था 1917 में, इसलिए आइंस्टाइन कोफिशिएंट कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।